नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी उपचार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी रात को सोते समय नाभि में बस दो बूंद तेल के आश्चर्यजनक फायदे। मित्रों, नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होता है। हर रात सोने से पहले अगर आप मात्र दो बूंद तेल भी नाभि में डालते हैं तो सेहत के कई आश्चर्यजनक फायदे मिल सकते हैं। यह त्वचा, प्रजनन, आँखों और मस्तिष्क के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए जानते हैं नाभि में तेल डालने से क्या और कौन से फायदे मिलते हैं। नाभि में रोजाना तेल लगाने से फटे हुए ओठ नर्म और गुलाबी हो जाते हैं। इससे आँखों की जलन, खुजली और सूखापन भी ठीक हो जाता है। नाभि में तेल लगाने से शरीर के किसी भी भाग में सूजन की समस्या खत्म हो जाती है। सरसों का तेल नाभि पर लगाने से घुटने के दर्द में राहत मिलती है। नाभि पर सरसों तेल लगाने से हमारे चेहरे की रंगत बढ़ जाती है, इसीलिए आपको रोजाना नाभि पर सरसों का तेल लगाना चाहिए। नाभि पर सरसों का तेल लगाने से पिंपल्स और दाग धब्बे ठीक होते हैं। नाभि पर सरसों तेल लगाने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। बादाम का तेल लगाने से त्वचा की रंगत निखर जाती है। नाभि में तेल लगाने से पेट का दर्द कम होता है। इससे अपचन, फूड पॉइजनिंग, दस्त, मतली जैसे बीमारियों से राहत मिलती है। इस तरह की समस्याओं के लिए पिपरमेंट ऑयल और जिंजर ऑयल को किसी अन्य तेल के साथ पतला करके नाभि में लगाना चाहिए। अगर आप मुहासों की समस्या से परेशान हैं, तो आपको नीम के तेल को नाभि में लगाना चाहिए। इससे आपके कील मुहासे दूर होने लगेंगे। अगर आपके चेहरे पर कई तरह के दाग धब्बे की समस्या है तो नीम का तेल नाभि में डालने से ये दाग दूर होंगे। नाभि में लेमन ऑयल लगाने से भी दाग धब्बे दूर होते हैं। नाभि प्रजनन तंत्र से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए नाभि में तेल लगाने से प्रजनन क्षमता विकसित होती है। कोकोनट या ऑलिव ऑयल को नाभि में लगाने से महिलाओं के हार्मोन संतुलित होते हैं और गर्भधारण की संभावना बढ़ती है। नाभि में तेल लगाने से पुरुषों के शरीर में शुक्राणु की वृद्धि और सुरक्षा होती है। माहवारी से संबंधित समस्याओं से आजकल हर दूसरी तीसरी महिला ग्रस्त मिलती है। अगर पीरियड्स के दौरान ज्यादा दर्द हो तो रूही के पाहे में थोड़ी सी ब्रांडी लगाकर नाभि में लगाने से ये दर्द तुरंत दूर हो जाएगा। नाभि में मौजूद मैल के कारण बैक्टीरिया और फंगस के पनपने की संभावना होती है, इसीलिए कोई भी संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप संक्रमण को दूर करने वाले असरदार तेलों का प्रयोग करके नाभि को नम बना के रखें। इन तेलों को टी ट्री ऑयल और मस्टर्ड ऑयल से सबसे असरदार है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहे। और हाँ दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।